मेरा घर नहीं है आपके पास, आप भी रहते हैं रेंट हाउस में और चाहते हैं अब आपके मकान हो अपने नाम का। देखो, एक उम्र तक तो ये सब अच्छा लगता है कि चलो रेंट पे रह लेते हैं, कहीं फ्लैट में रेंट पे रह लेते हैं, कहीं भाड़े के मकान में समय बिताते हैं, स्ट्रगल करना है, कमाना है। लेकिन एक समय के बाद इच्छा होती है कि छोटा सा ही सही परंतु अपना एक घर हो, क्योंकि जब प्रॉपर्टी अपने नाम से ज्यादा जमा नहीं होती है ना, तो अजीब लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं, ऐसा महसूस होगा कुछ नहीं। एक अपने नाम का घर हो, कहीं थोड़ी सी जगह जमीन हो, थोड़ी सी प्रॉपर्टी हो, तब लगता है कि मैंने जीवन में कुछ किया है। लेकिन बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं कि उन्होंने पूरी उम्र काट दी घर वाले घर में, लेकिन आपके नाम का प्रॉपर्टी नहीं हो पाया, आपके नाम का घर नहीं हो पाया। अब आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कम से कम आपके बनाए घर में रहे, आपके नाम की प्रॉपर्टी जो हो उसका उपभोग करें। तो आज मैं जो प्रयोग लेकर आई हूं वो आपके लिए। जी हाँ, आज प्रयोग बताने जा रही हूं, ये जादू है, ये चमत्कार है, ये एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है कि एक तो लॉजिकल है, प्रमाणित है, 100% काम करेगा, गारंटी मेरी। वरना इस ऐसे उपाय में एस्ट्रोलॉजर्स तुरंत गारंटी शब्द नहीं बोलते, गारंटी मेरी, क्योंकि लॉजिकल है। आज मैं मंगल का उपाय आपको बताने जा रही हूँ। मंगल देने पर आ जाए ना तो बहुत प्रॉपर्टी देता है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, 1 से 2 मकान हो जाएंगे, 3 मकान हो जाएंगे, जगह जमीन दुकान अपनी हो जाएगी, ये सब मंगल करता है। मंगल के जो आज मैं प्रयोग बताने जा रही हूँ वो बहुत सरल है, पैसे का खर्चा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कुछ नहीं है। मंगल का जो प्रयोग आज मैं बताने जा रही हूँ, एक चीज आपको जुबान पर रख लेने मात्र से आपको आपके नाम का घर मिल जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी बनने लगेगी। प्रॉपर्टी बनने से पहले जरूरी है आपका बैंक बैलेंस बढ़े। प्रॉपर्टी मिल रही है आपको, मन लायक प्रॉपर्टी मिल रही है, मन लायक रेट में मिल रही है, लेकिन पैसे होंगे तब ना खरीदोगे। तो सबसे बड़ी बात है कि ये उपाय आपको आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने में मजबूत करेगा। इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि जहां प्रॉपर्टी मिलेगी वो खरीद पाओगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, यही वो मंत्र है जो आपको जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। सोते जागते चलते फिरते खाते पीते खाना बनाते वक्त जीवा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो, कभी नहीं घटेगा धन, किसी कीमत पर नहीं घटेगा, इतनी प्रॉपर्टी होगी हैरान रह जाओगे। जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मेरे सारे वीडियोस मेरे भाई बहनों के लिए मुफ्त है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उपाय कीजिए, लाभ उठाइए। मैं कोई भी नंबर जारी नहीं करती हूँ कि मुझे इतने पैसे भेज दीजिए, अभी किसी को नहीं देने हैं पैसे, ना मुझे ना किसी भी एस्ट्रोलॉजर को उपाय के नाम पर। ये जो बड़े बड़े नंबर सब आते हैं ना, पहले पैसे भेजो तब ये करना है वो करना, भी मत भेजना। बाद में जब लखपति बन जाओ करोड़पति बन जाओ, जिसको देना होगा देना, मेरे बताए भी एक दो काम करना। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो, तो भोजन आदि की व्यवस्था उस विवाह में आप अपने तरफ से करवा देना। कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में स्कूल नहीं जा रहा हो, तो जितना सको उतना फीस भी उसको जरूर देना। और तीसरी और जरूरी बात, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, कहीं भी किसी मंदिर को जर्जर अवस्था में देखो, सीढ़ी टूट गई है, पेंट नहीं हुआ है, गेट खराब हो गए, पॉलिश खत्म हो गई है, दिया जलाने के लिए घी नहीं है, माँ के कपड़े गंदे हो गए हैं, झंडे फटे हुए हैं, दीवारें काली पड़ रही है, कुछ भी आपकी नजर जाए आप जो कर सको जरूर करना। पर्दे खराब हो गए तो कम से कम एक पर्दा लगवा देना, वहां से प्रोस्पेरिटी आने लगेगी, आपको उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने पैसे आएंगे ना संभाल नहीं पाओगे। मंदिर एक ऐसी जगह होती है ना जिसको संवारना सजाना हमारा कर्तव्य है, वो भगवान का घर होता है हमारे धर्म में। तो यदि आप भगवान के घर को चमका दोगे तो भगवान को पूछना पड़ेगा क्या कि तुम्हारा घर कैसे चमकाना है? वैसे भी होगी आपके नाम का घर, आपके नाम की प्रॉपर्टी। प्रमाणित उपाय बता रही हूँ, इतना जागृत है ये उपाय, इतना प्रमाणित है, आपने यहाँ किया और आपके सामने आने लगेंगे कंडीशन, आपको आपके नाम का घर जरूर मिलेगा। क्योंकि किराए का जो घर होता है ना वो किराए का ही होता है, आप उसको पेंट करवा लो, कितना सजा लो, पर्दे लगा लो, सोफा लगा लो, लगता है कि किसी भी दिन हमें ये घर छोड़ना पड़ जाएगा। अग्रीमेंट खत्म हुए और आपका हक खत्म हुआ उस पर से। और छोटा सा ही सही घर, चाहे उसमें पलस्तरा ना हो, चाहे उसमें पेंट ना हो, चाहे कोई सामान ना हो, अपना घर अपना होता है। गेट बंद कर लो, जो सुकून की नींद आएगी वो अपने घर में ही आएगी। चलो, अपना नाम का घर और अपनी प्रॉपर्टी बनाने का एक सहज प्रयोग बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। आपके घर का एंट्रेंस का जो डोर है जिससे आप बाहर निकलते हो घर का,
जब आप घर के बाहर चले जाओ और अंदर आने लगो तो दाहिना साइड जो होता है अपने घर के दरवाजे गेट के अंदर, जैसे आप पहला कदम रखोगे तो दाहिना साइड जो जगह है वहां पर आप एक पीतल के बर्तन में छोटे छोटे से गुड़ के टुकड़े, इतने छोटे छोटे से गुड़ के टुकड़े कर लो, चाहे गुड़ को तोड़ लो मारकर छोटा छोटा अपने हिसाब से, लेकिन गुड़, चीनी नहीं गुड़, मिश्री नहीं गुड़, बात समझ में आ गई। गुड़ यानी मंगल। आज मैं आपको सारे उपाय मंगल से जोड़ रही हूँ। देखो मंगल एक ऐसा ग्रह है ना जो बिगड़ जाता है ना, तो आपने वर्ष भर जो कमाया है ना वो सारे मेडिकल के नाम पर निकल जाएंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमे के नाम पर निकल जाएंगे, अचानक से कोई लोन आ जाएगा आपके सर पर, एक ऐसा कर्ज आ जाएगा कि आपको चुकाने पड़ेंगे, तो जो भी आपने 10 साल में कमाया ना वो 10 दिन में निकल जाएंगे। ये मंगल है। आप खड़े हो, कोई गाड़ी नहीं चला रहे, उधर से गाड़ी आकर मार गई, आपके पैर टूट गए, आपका सर फट गया, चलो अस्पताल जाओ, हजारों का खर्चा, ये मंगल है। बिना मतलब के वाद विवाद में आप पड़ गए, कहीं से आपका कोई संबंध नहीं, कहीं कोई झगड़ा किया और फैसला किसी और का हुआ, आप वहां सिर्फ खड़े थे, कहां से आपका नाम हो गया, आप पर एक केस हो गया, कुछ आप जानते नहीं, आप पर एक केस हो गया, ये मंगल है। और उसके नाम पर आपके अच्छे खासे पैसे निकल गए। तो जब ग्रह इतना सता सकता है ये ग्रह, तो चलिए इस ग्रह को पहले शांत करते हैं। यदि एक कर्ज है आपके सर पर बरसों से और उस कर्ज को चुका नहीं पा रहे हैं आप, चाह कर भी नहीं चुका पा रहे, कमाते भी है अच्छा आप लेकिन कर्ज नहीं चुका पा रहे, तो ये मंगल है। तो आज मंगल के प्रयोग बता रही हूं। मंगल हैरान कर देने वाला चमत्कारी परिणाम देगा आपको। अपने घर के एंट्रांस से जैसे ही अंदर आते हैं दाहिने साइड को ऐसी व्यवस्था कीजिए कि वहां पीतल का एक बर्तन आप रख सके जिसमें छोटे छोटे गुड़ का टुकड़ा रखेंगे। जब भी आप घर से बाहर जाने लगेंगे तो वो आपके बाएं साइड आ जाएगा, आप उसमें से एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा मुंह में रखेंगे तभी काम पर जाएंगे। अब सब्जी खरीदने जा रहे हो तो आपको नहीं करना, दूध लेने जा रहे हो तो नहीं करना, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हो तो नहीं करना, जब आप काम से निकल रहे हो, जहां से पैसे अर्न हो, जहां कोई बात बनने जा रही है, आप कोई डील करने जा रहे हो, आप कुछ भी आप करने जा रहे हो, गुड़ का एक टुकड़ा मुंह में लेना जाना, उसको ढककर वहीं रखना, उसको बंद करके वहीं रखना। दूसरी बात सुनिए, अपने सिरहाने आप एक 250 ग्राम की शहद की शीशी खरीद लीजिए, उसको खोलना मत। 250 ग्राम की शहद की शीशी आप जिधर सर रखकर सोते हो उस दिशा में किसी एक जगह पर फिक्स कर दो वजन से, चुपचाप वो रखी रहेगी, चुपचाप वो रखी रहेगी, उसको न छूना है, न खाना है, न छेड़ना है, न कुछ करना, साफ सफाई के दौरान उसको उठाकर साफ सफाई करना, परंतु वो वही रहेगी परमानेंट, जिसको अपने नाम का घर चाहिए। और तीसरी बात, आप 43 डेज तक लगातार सोकर उठो और बासी मुंह एक चम्मच शहद खाना शुरू कर दो। अगर आप डायबिटीज हो तो उसकी मात्रा बहुत कम कर दो, आप डायबिटिक हो, आप बोलोगे कि मीठा नहीं खा सकते, तो इतना सा खा लेना, एक बूंद शहद होती है ना, उससे नहीं डायबिटीज आपकी बढ़ जाएगी, आप एक बूंद शहद खा लेना, लेकिन अगर डायबिटिक नहीं हो तो एक चम्मच शहद बासी मुंह प्रतिदिन खाना शुरू करो 43 डेज तक। आपके नाम का घर ना हो जाए तो कहिएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, प्रॉपर्टीज मिलेगी, मालिक बन जाओगे। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।